सो हे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वन शॉट वीडियो। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टर्म टू का एंटायर पोर्शन। और ये एक एनिमेटेड सीरीज है जिसमें आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप इस वीडियो को देखो और आपका जो कंसेप्ट है वो होने वाला है क्रिस्टल क्लियर। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मेक श्योर कि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दिया है, ताकि आपको न्यू वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के लास्ट चैप्टर से, डैट इज़ भोली, रिटन बाय के अब्बास। तो इस चैप्टर में एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम होता है सुलेखा, लेकिन लोग उसे भोली नाम से पुकारते हैं, क्योंकि उसका जो माइंड है वो बहुत, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा डम्ब है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो बचपन में जो होता है ना खटिया, उससे गिर गई थी और उसका ब्रेन का एक पार्ट होता है वो अच्छे से काम, मतलब नहीं करता है, इंजर्ड हो गया था उस टाइम पर। वो हकलाती भी थी और लोग उसे, मतलब भोली कह के इसलिए भी पुकारते थे क्योंकि उसका जो आउटर लुक है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसे बचपन में स्मॉल पॉक्स हो गया था जिसके छोटे छोटे दाने उसके चेहरे में आज भी मौजूद है। तो होता क्या था ना, जिस एरिया में ये भोली रहती थी उस एरिया के लोग इस पर बहुत ज़्यादा हंसते थे, इसका मजाक बनाते थे, मतलब कि लोगों के लिए वो एक हंसी का सोर्स बन गई थी। उसके फादर नंबरदार रामलाल, अब नंबरदार का मतलब होता है मींस छोटा सा लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। तो वो, उनके तीन बेटे थे और चार बेटियां थी, और जो भोली है उनमें से सबसे यंगेस्ट थी, मतलब कि उनमें से सबसे छोटी थी। बहुत लोग यंगेस्ट का मतलब बड़ा समझ लेते, बट नहीं, यहाँ पर सबसे छोटा होता है। तो भोली के जो पापा थे वो हर समय वरीड रहते थे इसके मैरिज को लेके, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मेरी बेटी बहुत बदसूरत दिखती है, इससे शादी कौन करेगा, ये डम्ब है, बिल्कुल एक गाय की तरह डम्ब है, और इससे शादी भले कौन कर सकता है। ये बेसिकली पहले ज़माने का स्टोरी है। तो उस ज़माने में ऐसा ही होता था कि लड़की को अगर किसी ने देखा तो उसको मीन्स केवल शादी के नज़रिए से देखते थे लोग। तो होता क्या है आगे, तो एक दिन तहसीलदार आता है गाँव में और वो एक प्राइमरी स्कूल का ओपनिंग करने को आता है, मतलब कि उस गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल खोला जा रहा था स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो उसका ओपनिंग के लिए वो वहां पर आया था। तो उस तहसीलदार ने रामलाल को कहा, रामलाल कौन? भोली के फादर। तो उसने रामलाल से कहा कि गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल खुल गया है सिर्फ लड़की के लिए, तो तुम अपने बेटी को भेज देना इस स्कूल में पढ़ने को। अब मतलब कि उसके फैमिली जो थी वो तो अगेंस्ट थी उसके एजुकेशन से, मतलब कि उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने में उतना किसी का दिमाग नहीं था, खासकर लड़कियों के मामले में, तो उसकी फैमिली अगेंस्ट थी, बट फिर भी तहसीलदार साहब ने कहा है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो फिर उसकी मॉम और उसके फादर डिस्कशन करते हैं कि भोली से कौन ही भला शादी करेगा, वो तो एक अच्छी नहीं दिखती है, डम माइंडेड है, तो खैर भेज ही देते हैं स्कूल, क्या ही हो जाएगा, वैसे भी इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तो मिलेगा नहीं, तो स्कूल ही भेज लेते हैं। अब इस बात को सुन के भोली बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि भोली को भी ऐसा लगता है कि स्कूल जाने के बाद उसके जो मम्मी पापा है उससे अलग हो जाएंगे और शायद एक हॉस्टल टाइप का वो समझ लेती है स्कूल को। लेकिन जब उसे स्कूल जाने के लिए तैयार किया गया, उसे अच्छे अच्छे ड्रेस पहनाए गए, उसके बालों को अच्छे से कंघी किया गया, तो वो भी थोड़ा मोड़ा एक्साइटेड हो जाती है स्कूल जाने के लिए। तो फिर होता क्या है, वो स्कूल जाती है और उसे एक अच्छी सी टीचर मिलती है। वो टीचर बहुत ही ज़्यादा काइंड और पोलाइट नेचर की थी, और वो जो टीचर है वो भोली को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है। वो ये कहती है कि भोली बेटा तुम पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, और यही सब बात कह कह के उस टीचर ने भोली के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भर दिया था। अब भोली को रोज़ रोज़ स्कूल जाने का मन करता था और वो रोज़ रोज़ स्कूल भी जाती थी। शुरुआत में तो भोली बहुत ज़्यादा डम थी, अपने स्कूल में टीचर से डरती थी, बाकी सारे बच्चों को देखना नहीं चाहती थी, मतलब कि काइंड ऑफ उनसे दूर रहती थी, दीवार में लगे पोस्टर के अंदर घुसी रहती थी, मतलब उसी को घूरते रहती थी दिन भर, छुट्टी होने का इंतज़ार करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन टाइम टाइम की बात है, फिर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और उसे मीन्स उसे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा।
तो धीरे धीरे साल पास होते गए। उसका जो गांव था, भोली का जो गांव था जिसमें वो रहती थी, वो एक छोटा सा टाउन बन गया था। उसमें छोटे मोटे बहुत सारे फैसिलिटीज आने लगे, जैसे कि कॉटन मिल, उसका प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल बन गया था। और एक दिन जानते हो क्या हुआ, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भोली की शादी करा देते हैं। पहले तो उनको लगता था कि कोई भी इसे शादी नहीं करेगा, फिर अब होता क्या है कि एक बूढ़े आदमी का रिश्ता आता है भोली के लिए, और वो बूढ़े आदमी की शायद जो वाइफ है वो मर जाती है बेसिकली, तो उसका रिश्ता आता है भोली के लिए। अब भोली के भी मॉम डैड उस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के पास बहुत ज़्यादा दौलत था, मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और वो एक भी डौरी का डिमांड नहीं करता, मतलब कि वो दहेज लेने से इनकार कर देता है, और ये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। अब शादी के दिन होता क्या है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, स्पेशली भोली के फैमिली वाले, कि भोली का शादी होने वाला है। उसके मॉम डैड स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि उसकी शादी होने वाली है। लेकिन जब माला पहनाने की बात आई, मतलब कि जयमाला के समय, तो जैसे ही माला डालने वाले थे, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने, मतलब कि भोली के होने वाले हस्बैंड ने नोटिस किया कि भोली के चेहरे में बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल दाने हैं, इतने सारे इसके चेहरे में मार्क्स है, कितनी अगली दिख रही है। जिसकी वजह से होता क्या है कि उस सिचुएशन में वो डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं वो शादी अब नहीं करेगा। ऐसा है, मुझे 5,000 रुपये दो, अगर 5,000 रुपये दोगे तो ही मैं शादी करूँगा। उस टाइम पे 5,000 एक अच्छी खासी बहुत बड़ी रकम होती थी। अब क्या यार, रामलाल तो एकदम परेशान हो गया, वो दया की भीख मांगने लगा उस मैन से जिससे शादी होने वाली थी। रामलाल अपनी बेटी के हस्बैंड यानी कि भिक्षांबर होने वाले हस्बैंड, तो उसके पैरों में पड़ गया कि ऐसा मत करो, 5,000 रुपये एक रात में कहाँ से लाएगा, लेकिन यार वो मानने वाला कहाँ। फिर तो जाके रामलाल ने फिर माना कि चलो मैं 5,000 रुपये दे दूंगा, कैसे भी करके अरेंज करके दे दूंगा, क्योंकि अब उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट की बात हो गई थी। लेकिन फिर होता क्या है, जो भोली है ये वो चुपचाप ये सब देख रही होती है, और फिर अचानक से वो कहती है कि वो ये शादी नहीं करेगी। अब मैं बता दूँ, इस टाइम पे वो भोली पुरानी वाली डम भोली नहीं थी, वो पढ़ लिख के एक एजुकेटेड भोली बन चुकी थी। उसे अपने लिए सही और गलत का पहचान करना आता था, वो खुद के लिए फाइट कर सकती थी, और इसीलिए वो बोलती है कि नहीं वो ये शादी नहीं करेगी, मुझे इस आदमी से शादी नहीं करना, ये लालची आदमी से शादी नहीं करना, ऐसा कुछ भोली कहती है। तो उस रात भोली की शादी नहीं हो पाती है, जितना भी मंडप का सामान था, जितना भी खाने पीने का सामान था, सारा कुछ वापस चला जाता है, बारात भी वापस चली जाती है। उन दोनों की फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होती है, स्पेशली भोली की फैमिली और उनके फादर रामलाल, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि अब तो भोली से कोई शादी करेगा ही नहीं। लेकिन क्या है ना, पढ़ लिख के आदमी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सही गलत में पहचान करना सीख जाता है, तो भोली पढ़ी लिखी थी, उसका माइंड खुल चुका था, तो वो उस टाइम पे क्या कहती है कि मैं अपने फादर मदर की देखभाल करूँगी, मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं भी वही स्कूल में टीच करूँगी, मतलब कि वही स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी, और आप दोनों का देखभाल करूँगी। और ये चीज़ देखकर, मतलब कि उस मैरिज में उसकी टीचर भी थी वहाँ पर, और वो ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है बेसिकली, वो मतलब कि कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्व से कह सकती है कि भोली उसकी स्टूडेंट थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक लड़की है जो काफ़ी सुंदर लड़की है, जिसका नाम है मैटिल्डा। तो मैटिल्डा एक क्लर्क फैमिली में जन्म लेती है, और शायद उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके जो मॉम डैड है, उसके जो पेरेंट्स है, वो डाउरी के लिए यानी कि दहेज के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। और ठीक इसीलिए मैटिल्डा की शादी एक नॉर्मल क्लर्क के साथ कर दी गई थी। और वैसे भी मैटिल्डा के पेरेंट्स को कोई भी होप नहीं था कि मैटिल्डा एक रिच घर में, एक अच्छे घर में जाएगी, क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है। जिस लड़की के साथ मैटिल्डा की शादी हुई, वो लड़का एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन नाम के कंपनी में काम करते थे, क्लर्क का जॉब। मैटिल्डा एकदम सिंपल हाउस से बिलोंग करती थी, बट वो एकदम अनहैप्पी रहती थी, क्योंकि वो यानी कि मैटिल्डा को तो उसे लगता था कि वो उसका जन्म एक रिच और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैटिल्डा हर समय पॉवर्टी यानी कि गरीबी में रहा करती थी, और शायद इसीलिए वो हर समय अपने लाइफ में अनहैप्पी रहती थी, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती थी। मैटिल्डा का घर का दीवार जो था वो बहुत ही गंदा था, और उनके पास जो बैठने के लिए चेयर था वो भी कहीं कहीं से टूटा हुआ था,
मैटिल्डा के हस्बैंड जो थे वो यानी कि वो क्लर्क, तो वो जब भी डिनर करने के बैठते थे अपोजिट टू मैटिल्डा, यानी कि मैटिल्डा के एकदम अपोजिट साइड में वो बैठते थे और फिर कैसरोल का ढक्कन हटाते थे, फूड को स्मेल करते थे और उस फूड का बहुत अच्छे से तारीफ करते थे। वाओ कितना अच्छा फूड है, इससे भी टेस्टी और क्या ही हो सकता है। पर ठीक उसी समय मैटिल्डा बहुत ही आलीशान, बहुत ही अच्छे अच्छे डिनर के बारे में सोचते रहती थी। वो ऐसे ऐसे डिनर को सोचा करती थी जिसमें उसे खाना एक सिल्वर के प्लेट में परोसा जाता था। और ठीक वो सोचने के बाद मैटिल्डा फिर ये भी सोचती थी कि ना ही उसके पास अच्छे अच्छे ड्रेस है, ना ही उसके पास अच्छे अच्छे ज्वेलरीज है, पर फिर भी वो बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहती थी। तो अब तक तो केवल यही समझ में आ रहा है कि जो मैटिल्डा की जो हस्बैंड है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है, उनके पास जो भी है वो उस चीज से खुश है, बट मैटिल्डा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे देखते आगे क्या होता है। मैटिल्डा की एक बहुत ही अच्छी रिच फ्रेंड थी, बट मैटिल्डा को उसके घर जाना पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वो उसके घर जाती थी और फिर वहाँ पर से अपने घर वापस लौटती थी तो उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील होता था। उसे बहुत ही बुरा लगता था कि उसकी जो दोस्त थी वो काफी रिच थी, उसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे वैल्यूएबल चीजें थे और इसीलिए मैटिल्डा उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। तो देखो यार यहाँ से एक क्वेश्चन निकल सकता है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो प्लीज उसे नोट कर लिया करो। और कभी कभी तो मैटिल्डा उसके घर से वापस लौटने के बाद बहुत ही ज्यादा रोया भी करती थी। फिर एक शाम की बात है जब मैटिल्डा के हस्बैंड उनके साथ अपने साथ एक एनवेलप लाते हैं, एक इन्विटेशन लाते हैं और फिर वो एनवेलप को मैटिल्डा के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, Here is something for you. यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। ओहो, एक हस्बैंड अपने वाइफ को क्या दे रहे हैं? आइए यहाँ पर देखते हैं। फिर मैटिल्डा तुरंत उस एनवेलप को अनबॉक्स करती है, उसे खोलती है और फिर उस एनवेलप के अंदर से एक प्रिंटेड कार्ड निकल कर के आता है और उस प्रिंटेड कार्ड में एक इनविटेशन छपा हुआ था। उस इनविटेशन में क्या लिखा गया था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और यार ये सब बोलने से पहले अगर आपको कुछ और ही दिमाग में आ रहा था कि उस इनवेलप में क्या है, तो यार गंदी सोच वालों पहले वीडियो पे कंसंट्रेट कर लो। फिर मैटिल्डा के हस्बैंड ने ये सोचा था कि मैटिल्डा उस कार्ड को देख करके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, खुशी से झूम उठेगी, बट ऐसा नहीं होता है, बल्कि मैटिल्डा उस कार्ड को तुरंत पढ़ने के बाद टेबल पर फेंक देती है और बड़बड़ाने लगती है, मर्मरिंग करने लगती है कि मैं इस कार्ड के साथ क्या करूं, भला तुम क्या चाहते हो। फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं, क्या हुआ डार्लिंग, मुझे तुम बताओ, मुझे तो लगा था तुम इस कार्ड को देख करके एकदम से हैप्पी हो जाओगी और वैसे भी तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलती और तुम्हें इस कार्ड के जरिए बाहर जाने का मौका मिल रहा है और ये काफी अच्छा ओकेशन है, काफी अच्छा इवेंट है। और फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं कि ये जो कार्ड है, ये जो इनविटेशन है, ये सबको नहीं दिया जाता है, इसके लिए काफी लोग वेट करते हैं, बट ये कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है, बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है और वैसे भी वहाँ जाने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे रिच रिच ऑफिशियल्स को देखने का मौका मिलेगा। और फिर मैटिल्डा अपने हस्बैंड को गुस्से भरी नजरों से देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी। फिर उसके हस्बैंड मैटिल्डा को हकलाते हुए कहते हैं, क्यों तुम वो ड्रेस नहीं पहन सकती जो तुम उस दिन थिएटर में पहन के गई थी, वो काफी सुंदर ड्रेस था। और फिर ये सब के बाद मैटिल्डा रोने लगती है और फिर मैटिल्डा के हस्बैंड हकलाते हुए फिर कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। फिर मैटिल्डा कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करती है, अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नथिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ, एक काम करो, जो तुम्हारे पास जो कार्ड है, ये इनविटेशन है, ये किसी अपने अच्छे दोस्त को दे दो जो हमसे ज्यादा बेटर हो और इस कार्ड की ज्यादा हकदार हो, और वैसे भी मेरे पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है तो इसीलिए सॉरी मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। और फिर उनके हस्बैंड को भी बुरा लगता है और वो कहते हैं, मैं इस इनविटेशन को किसी को दूंगा नहीं, बट देखते हैं तुम्हारे लिए एक अच्छे ड्रेस, एक अच्छा सिंपल ड्रेस कितने में आती है, ताकि ऐसा कोई और भी ओकेशन आए तो वो ड्रेस तुम्हें काम दे। फिर मैटिल्डा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि उसके हस्बैंड तो एक क्लर्क है, एक नॉर्मल क्लर्क है, और भला वो एक अच्छा ड्रेस कैसे खरीद पाएंगे, और ठीक इसीलिए वो मना कर देती है, यानी कि फूड डिटरमाइंड होकर के मना नहीं करती है, बट बेसिकली ये समझ लो कि वो ऊपरी मन से मना कर देती है। और फिर वो एक हेजिटेटिंग वॉइस के साथ कहती है,
और वो फिर ये कहती है कि शायद एक अच्छा ड्रेस 400 फ्रांस में आ जाए। फ्रांस बेसिकली वहाँ का एक करेंसी होता है, तुम लोग इसे कंट्री वाला फ्रांस मत समझ लेना। और फिर उसका हस्बैंड थोड़ा पेल हो जाता है, हिंदी में मत समझना ये इंग्लिश वाला पेल है, यानी कि वो थोड़ा पीला पड़ जाता है। और उनका फेस पीला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उन्हें एक गन खरीदना होता है जो हंटिंग पार्टीज में काम आए, क्योंकि वो अगले समर एक फ्रेंड्स लोग के साथ एक हंटिंग पार्टी में जाने वाले थे। तो इसीलिए उन्हें एक गन खरीदना था जिसके लिए वो कुछ पैसे बचा करके रखे थे, और वो जो पैसे वो जमा किए थे वो अब उसे मतलब कि देना पड़ेगा, उसे खर्च करना पड़ेगा उसके ड्रेस के लिए, उनकी वाइफ के ड्रेस के लिए, इसीलिए उनका फेस पीला पड़ जाता है। उसके बाद उसके हस्बैंड कहते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूंगा। और फिर अब पार्टी का दिन बहुत ही नजदीक आ रहा था और वो जो मैटिल्डा थी यानी कि मिमी लॉजेल वो काफी सैड और बहुत ही डिस्टर्ब्ड दिख रही थी। फिर एक शाम की बात है जब मिस्टर लॉयजल यानी कि मैटिल्डा के हस्बैंड उसे पूछ ही लेते हैं कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, तुम इतने उदास क्यों हो। फिर मैटिल्डा इसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि पार्टी में जाने के लिए मेरे पास अच्छी ड्रेस तो है बट मेरे पास कुछ नेकलेस नहीं है, मैं उस पार्टी में एकदम गरीब दिखूंगी, मेरे पास ऊपर से नेकलेस वेकलेस कुछ वगैरह उस टाइप का कुछ पहनने के लिए कुछ स्टफ नहीं है, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। वाह, भला अपने हस्बैंड का 400 फ्रांस खत्म करने के बाद कौन ऐसा बोलता है। बेचारे का कितना शौक था कि अपने दोस्तों के साथ अगले समर में जाकर के हंटिंग खेलेगा, बट ऐसा वो आप समझ ही सकते हो। तो आइए देखते आगे क्या होता है। अच्छा ठीक, तुम ही बताओ अगर तुम इसके हस्बैंड होते तो तुम क्या करते, तुम्हारा रिएक्शन क्या निकलता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर इसका हस्बैंड अपने भावनाओं को दबाते हुए कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम एक नेकलेस, एक आर्टिफिशियल नेकलेस की जगह कुछ नेचुरल फ्लावर्स ही लगा लो, यानी कि पहन लो। इस बात से मैटिल्डा बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी, और फिर मैटिल्डा इस बात पर नहीं साफ साफ कह देती है। फिर वो ये भी कहती है कि मैं वहाँ पर मौजूद सभी रिच महिलाओं के बीच में एकदम शैबी गंदी औरत दिखूंगी। फिर उसके हस्बैंड को एक अच्छा सा आइडिया आता है और वो कहते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने कितने बेवकूफ है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम मिमी फॉस्टर से एक ज्वेलरी उधार में क्यों नहीं ले लेती। और मैं बता देता हूँ कि मिमी फॉस्टर वही रिच वुमेन थी, यानी कि मैटिल्डा की वो रिच फ्रेंड। इस बात पे मैटिल्डा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इस आइडिया को वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा जॉय में, बहुत ही ज्यादा खुशी में झूम उठती है। अगले ही दिन मैटिल्डा अपनी रिच फ्रेंड के घर जाती है, और उसके बाद मिमी फॉरेस्टर इस चीज के लिए एकदम से एग्री हो जाती है। वो अपने घर के क्लोजेट की तरफ जाती है, एक अच्छा सा ज्वेलरी उठाती है, उसके सामने लाती है, प्रेजेंट करती है और कहती है, ये लो इसमें से तुम्हें जो भी ज्वेलरी अच्छा लगे उसे तुम रख सकती हो। मिमी फॉस्टर मैटिल्डा के सामने बहुत सारी चीजें ला करके रखती है, जैसे कि ब्रेसलेट्स, गोल्ड आइटम्स और भी बहुत कुछ। बट मैटिल्डा उन सब चीजों को ट्राई करने के बाद सोचती है कि इन्हें लूं या नहीं लूं। फिर मैटिल्डा पूछती है कि क्या आपके पास कुछ और नहीं है। फिर इस बात का मिमी फॉस्टर रिप्लाई करती है कि हाँ मेरे पास और कुछ भी है। फिर मिमी फॉस्टर और भी कुछ कुछ ला करके रखती है, और फाइनली जो मैटिल्डा चाहती है, जिस चीज की वो तलाश कर रही है, वो उसे मिल जाता है, यानी कि एक सुंदर नेकलेस, वो भी डायमंड का, वो नेकलेस जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े डायमंड्स लगे हुए थे। फिर वो उस नेकलेस को अपने गले के पास ला करके ट्राई करती है, अपने उस ड्रेस से मैच करती है, और वो काफी अच्छा लगता है। और फिर वो एक हेजिटेटिंग वॉइस पूरे अच्छे तरीके से बोलती है कि क्या तुम मुझे ये चीज दे सकती हो। और फिर मिमी फॉस्टर रिप्लाई देती है कि यस व्हाई नॉट, और फिर इसी बात का मैटिल्डा उसे थैंक्स करती है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब मैटिल्डा को उस पार्टी में जाना होता है। वहाँ पे जितने भी लेडीज प्रेजेंट होती है उसमें से सबसे अच्छी मैटिल्डा ही दिख रही होती है, सबसे प्रीटी मैटिल्डा ही दिख रही होती है। वो काफी खुश होती है, स्माइल कर रही होती है, एलिगेंट दिख रही होती है, और क्या क्या वर्ड्स बोलूं, अरे ये सब मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बुक में दिया हुआ है। सारे लोगों ने उस प्रीटी लेडी यानी कि मैटिल्डा को नोटिस किया था, उसका नाम पूछा, और सभी लोग चाहते थे कि मैटिल्डा को अपने उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करे। और इसी समय पर मैटिल्डा अपने आप को विक्ट्री मान रही थी, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और वो बहुत ही अच्छे से डांस कर रही थी। और फिर पूरी रात बिताने के बाद
वो सुबह अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट वो लोग एकदम हाफ एस्लीप थे, यानी कि आधी नींद में थे। और तभी मिस्टर लॉइजल यानी कि मैटिल्डा के जो हस्बैंड, वो कहते हैं कि रुको, हमें उतनी ज्यादा जल्दी जाने की घर जरूरत नहीं है, मैं तुरंत कैब बुक करता हूँ, हम लोग आराम से जाएंगे। पर मैटिल्डा बहुत ही जल्दी में थी, क्योंकि कोई रिच वुमेन उसे नोटिस ना कर पाए कि वो एक पुअर है। अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि मैटिल्डा को ना लगे कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई रिच वुमेन उसे उसकी असलियत का पता लगे, और कोई भी उसे देख करके ये ना कहे कि वो एक गरीब है और इसकी असलियत सामने ना आए। और ठीक इसीलिए वो उस पार्टी से वहाँ पर से जल्दी जाना चाहती थी। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ नीचे की ओर जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। फिर वहाँ कोई भी उसे गैरेज नहीं दिखता है। फिर उन्हें एक दूर कोचमैन खड़ा हुआ दिखता है। फिर वो उन्हें यानी कि कोचमैन को चिल्लाकर बुलाते हैं। कैरेज का मतलब बेसिकली एक घोड़ा गाड़ी होता है, यानी कि आप टांगा बोल सकते हो। उस समय बहुत ही ठंड का समय होता है और वो लोग दोनों बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं। फिर वो कैरेज से उस घोड़े गाड़ी से अपने अपार्टमेंट के घर तक पहुंच जाते हैं, अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचते हैं। फिर जब वो उस घर पहुंचते हैं, यानी कि वो जब अपने घर पहुंचते हैं, तब उन्हें याद आता है कि अब सुबह सुबह के 10 बजे उनको उनके ऑफिस में प्रेजेंट होना है, यानी कि ऑफिस जाना है। फिर वो जल्दी करने लगते हैं, और फिर मैटिल्डा अपने ड्रेस को बदलने के लिए, अपने आखिरी फाइनल लुक को देखने के लिए अपने रूम तक जाती है, और फिर वो अचानक से एकदम से चिल्लाती है कि अरे मेरा नेकलेस तो खो गया, मेरा नेकलेस मेरे पास मौजूद नहीं है। उस समय मिस्टर लॉइजल अपना कपड़ा बदल रहे होते हैं, फिर उनका शर्ट का बटन खुला ही हुआ होता है। वो एकदम से जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। कुछ देर पहले मिस्टर लॉइजल हकलाते थे, लेकिन अब हकलाने की बारी आती है मैटिल्डा की। वो कहती है I no longer have Mimi Foster's necklace, यानी कि मैं नेकलेस खो दिया, मैंने नेकलेस खो दिया। फिर उसके हस्बैंड चिल्लाते हुए कहते हैं व्हाट, हाउ इज दैट पॉसिबल। और फिर वो लोग दोनों एकदम रश करते हुए हर जगह उस नेकलेस को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें नेकलेस कहीं नहीं मिला। फिर उन दोनों ने सोचा कि शायद वो नेकलेस जहां पर पार्टी हुआ था, यानी कि मिनिस्टर के घर पे गिर गया है। और फिर मैटिल्डा सोचती है और कहती है हाँ, एक बार मैंने फील किया था कि मेरी नेकलेस गिर गई है। और फिर मैटिल्डा के हस्बैंड बोलते हैं कि क्या होगा हम लोग का अगर वो नेकलेस कहीं स्ट्रीट में गिरा होगा, तब तो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो कहते हैं कि अगर वो उस कैब में गिर गया होगा तब क्या हो सकता है। और फिर मैटिल्डा कहती है कि हाँ, ये सभी पॉसिबल है, हो सकता है कि मेरी नेकलेस उस कैब में गिर गई होगी। और फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया था। और फिर मैटिल्डा कहती है कि नहीं, मैं तो आधी नींद में थी। और फिर वो लोग दोनों एक दूसरे के तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर लॉइजल अपने शर्ट के बटन को फिर से बहुत ही जल्दी लगाते हैं और तुरंत स्ट्रीट के तरफ रश कर देते हैं। और फिर मैटिल्डा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर लॉइजल रिप्लाई देते हैं कि मैं स्ट्रीट के तरफ जा रहा हूँ उस नेकलेस को ढूंढने। यार ये कुछ छोटा मोटा चीज तो था नहीं कि भुला गया तो भुला गया, ये एक डायमंड का नेकलेस था, तो आप उसका कॉस्ट समझ ही सकते हो। और फिर मैटिल्डा अपने घर के एक कोने को पकड़ती है और बिना मूव किए वहाँ पर एकदम सोचने लगती है, और वो 7 बजे तक वही जगह पर खड़ी रहती है, क्योंकि 7 बजे लॉइजल घर वापस आ जाते हैं। लॉइजल एक सैड सा चेहरा लेकर के आते हैं और कहते हैं आई हैव फाउंड नथिंग। फिर उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के पास भी गया था, कैब ऑफिस के पास भी गया था, और मैं न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी छपवा दिया, इवन कि उन्होंने रिवॉर्ड के लिए भी बोल दिया। और फिर वो कहते हैं कि चलो थोड़ा देर रुक जाते हैं, हो सके कल हमें कुछ मिल जाए, पुलिस या कोई भी हमारी हेल्प कर दे उस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर। फिर पूरे एक दिन वेट करने के बाद जब लॉइजल अपने घर वापस आते हैं अपना दुख भरा चेहरा लेकर के, और मैटिल्डा से कहते हैं कि अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, और ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। बाद मैटिल्डा के हस्बैंड को एक और आइडिया आता है और वो कहते हैं कि, और फिर वो कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड यानी कि मिस्ट फॉरेस्टर को ये लेटर लिख दो कि तुमने उनका नेकलेस का कुछ पार्ट तोड़ दिया है और उसे बनवाने के लिए भी दिया हुआ है, जिसके लिए कुछ टाइम लग जाएगा, और नेकलेस बनते ही हम उसे आपको लौटा देंगे। फिर मैटिल्डा ठीक ऐसा ही करती है। तो ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ टाइम मिल जाएगा,
कुछ पैसे जमे करने के लिए, जिसे वो वापस से वो नेकलेस खरीद सके और उसे वापस लौटा सके। और एट द एंड ऑफ वीक उन्होंने अपना सारा होप खो दिया। वो नेकलेस मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, इवन इनफैक्ट खत्म हो गया था, क्योंकि अब तक उस नेकलेस के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया था। उन दोनों के लिए वो वीक बिताना पूरे 5 साल बिताने जैसा लग रहा था। तो एक शाम की बात है, वो दोनों कहीं से गुजर रहे थे और तभी उन्हें एक शॉप दिखा, पैलेस रॉयल, जहां पर उन्हें सेम वो डायमंड का नेकलेस दिखा जैसा उन्होंने खोया था। और फिर वो लोग दोनों तुरंत से उस दुकान के अंदर जाते हैं और शॉपकीपर से पूछते हैं कि इसका कितना दाम है। तो उन्हें पता चलता है कि इसका दाम 40,000 francs है, जबकि उनके पास केवल 18,000 francs बचा था। और वो जो दुकानदार था वो उस नेकलेस को केवल 36,000 francs में बेचने के लिए तैयार था। और फिर वो अपने 18,000 francs उस दुकानदार को देते हैं और बाकी के पैसे वो जैसे तैसे जिससे तिससे बोरो करके लाते हैं ताकि वो उस नेकलेस को खरीद सके, और ये वादा करके लिया कि वो पैसे को जल्द ही लौटा देंगे। तो वो लोग दोनों उस नेकलेस को 36,000 francs में खरीद के ले आते हैं और मिस फॉरेस्टर को वापस लौटा देते हैं। और फिर जब मैटिल्डा उनके घर पहुंचती है, मिस फॉरेस्टर के घर पहुंचती है, तो वो उस नेकलेस को रिटर्न करती है। तो मैडम फॉरेस्टर एक इग्नोरिंग वॉइस में कहती है कि तुम्हें ये मुझे जल्दी दे देना चाहिए था, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब मैटिल्डा मिमी फॉरेस्टर को उस वो ज्वेलरी बॉक्स दे रही थी तो उसे ये डर था कि मिस फॉरेस्टर कहीं वो बॉक्स को खोलकर ना देख ले और कहीं वो पकड़े ना जाए, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो हो सकता है मिमी फॉरेस्टर वो दोनों को रॉबरी के केस में अंदर कर सके, यानी कि अरेस्ट करवा सके, क्योंकि वो वाली नेकलेस नहीं है जिसे उन्होंने उसे दिया था। अब पूरी लाइफ बदल जाती है किसकी, मैटिल्डा की और उसके हस्बैंड लॉइजल की, क्योंकि अब वो लोग डेब्ट में आ गए थे। उनके ऊपर बहुत सारा लोन था और उन्होंने बहुत सारे लोगों से लोन भी लिया था जिसे उन्हें चुकाना था। तो सबसे पहले तो मैटिल्डा ने अपनी मेड को जॉब से निकाल दिया और कहा कि अब तुम और यहाँ पर मेरे घर में काम नहीं करोगी, अब सारा काम मैं खुद पे खुद करूंगी। तो सारा काम जो कुकिंग है, झाड़ू मारना, पानी भरना, वो सारा काम मैटिल्डा खुद से करती थी। अब अगर बात करें मैटिल्डा के हस्बैंड का, तो वो भी बहुत हार्ड वर्किंग मैन बन गए थे और वो अपनी जॉब को छोड़कर बहुत ही अलग अलग पार्ट टाइम वर्क भी करते थे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट कर पाए। और अब तक जो मैटिल्डा थी वो बहुत ही ज्यादा बदल गई थी। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पुअर हाउसहोल्ड वुमेन बन गई थी जो बहुत ही बैडली ड्रेस्ड थी और उसका स्कर्ट बहुत ही गंदा था। और कभी कभी जब मैटिल्डा के हस्बैंड ऑफिस में रहा करते थे तो मैटिल्डा विंडो के पास जाकर के बाहर देखते हुए अपने उस दिन के बारे में सोचती थी कि क्या होता अगर मैं उस दिन वो नेकलेस नहीं खोई होती तो। Who knows, ये जो वर्ल्ड है ये कब पलट जाए। और ये वर्ल्ड है ये फुल ऑफ चेंजेस है। मैटिल्डा अपनी वो ब्यूटीफुल नाइट के बारे में हर समय सोचा करती थी और याद करती रहती थी। पर एक संडे की बात है, जब वो इवनिंग को वॉक करते करते चैम्स हिल के बगल से पार हो रही थी, तब उसे मिस फॉरेस्टर यानी वही रिच फ्रेंड अपने बेटी के साथ दिखती है और वो लोग दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे होते हैं और वो लोग दोनों बहुत ही अच्छे रिच लुक में थे। फिर मैटिल्डा सोचती है कि क्या मुझे बात करना चाहिए उनके साथ, और फिर वो ये भी सोचती है कि हाँ मुझे करना चाहिए, ऐसा वो अपने में बात कर रही है। और फिर वो ये भी डिसाइड करती है कि वो अब सारा कुछ पूरा ट्रुथ उसे बता देगी। और फिर मैटिल्डा उसके पास जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग जीनी। मिमी फॉरेस्टर को प्यार से मैटिल्डा जीनी बोलती है, पर मिमी फॉरेस्टर उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। फिर वो कहती है मैं मैटिल्डा हूँ, लेकिन फिर भी मिमी फॉरेस्टर उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और कहती है कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। पर जब मिमी फॉरेस्टर ने उसका नाम सुना तब वो एकदम शॉक्ड हो गई और फिर वो कहती है ओ माई पुअर मैटिल्डा यू हैव चेंज्ड, मतलब कि तुम कितना बदल गई हो। और फिर मैटिल्डा बोलती है हाँ मैंने बहुत ही ज्यादा काफी हार्ड डेज बिताए हैं, और वो हार्ड भी थे और काफी मिजरेबल भी थे, और ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर मिमी फॉरेस्टर रिप्लाई करती है बिकॉज ऑफ मी हाउ। फिर मैटिल्डा बोल रही है कि तुम याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मुझे वो डायमंड का नेकलेस दिया था। फिर मिस फॉरेस्टर कहती है हाँ मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। तो उसमें क्या, फिर इसी का रिप्लाई देते हुए मैटिल्डा कहती है
कि उस दिन मैंने वो डायमंड का नेकलेस खो दिया था। फिर मिस फॉरेस्टर कहती है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वो डायमंड नेकलेस रिटर्न कर दिया था। फिर मैटिल्डा कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें रिटर्न कर दिया था, बट वो वही सेम दिखने वाला डायमंड नेकलेस था। एक्चुअली जो डायमंड नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो मैंने उस पार्टी में खो दिया था, और मैंने जो तुम्हें नया डायमंड नेकलेस दिया उसे पे करने में मुझे करीब 10 साल लग गए। और फिर वो कहती है कि कोई इजी काम नहीं था, बट फाइनली अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर मिमी फॉरेस्टर कहती है कि क्या तुमने मुझे ये डायमंड नेकलेस, मतलब कि इसमें जो डायमंड है वो असली है। और फिर मिमी फॉरेस्टर स्माइल करती है जॉय में, और फिर वो कहती है, मैटिल्डा का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ओ माय पुअर मैटिल्डा, जो तुमने मुझसे जो डायमंड नेकलेस बोरो किया हुआ था वो एक्चुअली नकली था, आर्टिफिशियल था, और तुमने मुझे जो दिया वो डायमंड नेकलेस एकदम ओरिजिनल है, और वो पुराने डायमंड नेकलेस का दाम तो यही कोई 500 फ्रांस से भी कम का होगा। अरे यार, आपको भी अब समझ में आ रहा होगा कहां 500 फ्रांस और कहां 40,000 फ्रांस। बिचारी का क्या रिएक्शन हुआ होगा यार, काश मैं ये रिएक्शन आपको बता पाता, बट स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि हैक का मतलब क्या होता है। तो हैक बेसिकली एक घोड़ा के पीछे जो काट लग जाता है ना, यानी कि टांगा, तो हैक उसे कहते हैं। और ये चैप्टर का मेन कैरेक्टर वही टांगे का मालिक है, यानी कि द हैक ड्राइवर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो द हैक ड्राइवर एक अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन यानी कि लॉयर को कैसे प्रिक करता है, मतलब कैसे बेवकूफ बनाता है। वो लॉयर उस गांव में आया था एक ओलिवर लुटकिंस नाम का आदमी को खोजने और उसे समन देने। अब ये समन का मतलब क्या होता है, तो समन का मतलब ये होता है कि एक पत्र जो कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है, यानी कि कोर्ट द्वारा इशू किया गया लेटर जिसे लॉयर ओलिवर लुटकिंस को देने के लिए आया था। तो चलिए हम देखते हैं क्या उसको ओलिवर लुटकिंस मिलता है। और ये चैप्टर मैं बता देता हूँ काफी फनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लॉयर ये कह रहा है कि वो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और उसे एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का जॉब भी मिल चुका था, लेकिन वो इस जॉब से उतना सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि कभी कभी उसे मतलब कोर्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया लेटर यानी कि समन को देने के लिए बहुत गंदे गंदे जगह में जाना पड़ता था, और उसका काम एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव जैसा था। एक तो कोर्ट का मैटर, और ऊपर से छोड़िए मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ। समझिए कि आप कोई क्राइम कर चुके हैं, मतलब वैसा नहीं लेकिन इमेजिन करिए कि आप क्राइम किए हैं और कोर्ट द्वारा आपको समन आई हुई है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, अरे वाह समन आया हुआ है, आओ आओ बैठो चाय नाश्ता करके जाना, ये नहीं होगा, आप बहुत गुस्सा हो जाओगे। और इसीलिए वो लॉयर कभी कभी मार भी खा जाता था वो आदमी लोग, वो क्रिमिनल लोग से, और इसी चलते वो ये जॉब बहुत ज्यादा हेट करता था। तो एक बार की बात है, लॉयर बहुत खुश था क्योंकि उन्हें 40 माइल दूर जाना था एक न्यू टाउन में, एक न्यू शहर में, एक ओलिवर लुटकिंग्स नाम का आदमी को समन देने के लिए। और वह खुश इसलिए था क्योंकि वह आदमी एक केस का विटनेस था, और लॉयर की एक्सपेक्टेशन उस विलेज के प्रति बहुत अच्छा था, यानी कि लॉयर ये सोच रहे थे कि वो विलेज एक बहुत सुंदर बहुत साफ सुथरा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ का विलेज काफी गंदा था, रिवर बहुत पॉल्यूटेड था, और रोड के दोनों साइड छोटे छोटे शॉप्स थे जो वुड के बने हुए थे, कई शॉप ब्राउन कलर के थे और कई में तो पेंट ही नहीं था। उस लॉयर को उस विलेज का केवल एक ही चीज सही लगा, और वो था वो डिलीवरी मैन जो सभी से काफी अच्छे से बात कर रहा था। वह एक गंदा कपड़ा पहना हुआ था लेकिन काफी सही ढंग से पहना हुआ था। वह दिखने से तो 40 उम्र का लग रहा था, वो एक बूढ़ा पतला और उसका चेहरा लाल था। फिर उस लॉयर ने उसके पास गया और कहा कि मुझे एक आदमी को खोजना है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंग्स। तो वो डिलीवरी मैन तुरंत कहा, ओ लुटकिंग्स, मैंने उसे अभी तुरंत देखा है, लेकिन उस आदमी को खोजना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो आदमी हर समय ट्रैवल किया करता था, इधर से उधर उधर से इधर, स्ट्रीट में अपना घूमते रहता था और वह एक जगह कभी नहीं रुकता था, इसी चलते उसे खोजना काफी डिफिकल्ट था। और फिर वो कहता है कि अभी शायद वो फिज शॉप के पीछे पोकर गेम खेल रहा होगा। और फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें जल्दी है उसे पकड़ने के लिए, यानी कि ओलिवर लुटकिंस को पकड़ने के लिए। तो फिर लॉयर रिप्लाई करता है, हाँ हाँ मुझे बहुत ही जल्दी है और जरूरी भी है।
और मुझे दोपहर का ट्रेन पकड़ के वापस सिटी भी जाना है। और फिर डिलीवरी मैन कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं अपना हैक लेकर के आता हूँ और फिर बाद में हम लोग दोनों साथ मिलकर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढेंगे। और फिर वो लॉयर मन ही मन काफी खुश हो गया क्योंकि अब उसे अकेले ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसे उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब उसके साथ हैक ड्राइवर है जो उसकी काफी मदद करेगा। और हैक ड्राइवर को ये भी पता है कि ओलिवर लुटकिंस कहां कहां और किस वक्त रहता है। अब आज के जमाने में तो कोई काम फ्री में होता है नहीं, इसीलिए वो हैक ड्राइवर और लॉयर बार्गेन करते हैं और फाइनली ये डिसाइड होता है कि लॉयर को हर घंटे के लिए $2 पे करना होगा हैक ड्राइवर को ताकि वो उसकी हेल्प करे। याद रखना इसे क्वेश्चन आते हैं $2 पर आर, ठीक है। और फिर डिसाइड हो जाने के बाद हैक ड्राइवर अपना बगल से हैक लेकर के आता है और लॉयर को काफी अच्छा सा स्माइल देता है, और वो स्माइल इस प्रकार देता है कि जैसे वो लॉयर उसका बहुत पुराना दोस्त है, एकदम अच्छा दोस्त है। और फिर ये लॉयर अपने मन ही में ये कह रहे हैं, अरे वाह ये विलेजर्स कितने अच्छे हैं, ये दूसरों का भी काम अपना समझ के कर देते हैं और मेरी कितनी मदद कर रहे हैं ये लोग मेरे से काफी अनजान हैं, फिर भी मेरी इतनी मदद कर रहे हैं जैसे कि वो उन्हीं का काम है। फिर वो हैक ड्राइवर कहता है, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ लेकिन क्या आप लुटकिंग से पैसे मांगने आए हो? पर वो नहीं देगा, वो किसी को भी पैसा नहीं देता है, इवन कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं उसके साथ पोकर गेम खेला और 50 सेंट्स जीत गया लेकिन अभी तक उसने मेरे पैसे नहीं चुकाए हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, पर अगर तुम उसे ये फैंसी ड्रेस में ढूंढने जाओगे तो वो वहां से भाग जाएगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर वो हैक ड्राइवर कहता है कि अगर तुमको तुम्हारे पैसे चाहिए तो तुम पीछे ही खड़े रहना और मैं फिर आगे जाकर के उसे पूछूंगा। फिर वो लॉयर सोचता है कि कितनी अच्छी बात है कि ये हैक ड्राइवर मेरा इतना मदद कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पर अकेले होता तो मैं शायद कभी नहीं ओलिवर लुटकिंग्स को ढूंढ पाता। अभी तक लॉयर को ड्राइवर पर काफी भरोसा आ गया था और उसने कह दिया कि नहीं नहीं मैं ओलिवर से कोई पैसे मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे उसके एक लेटर देना है, समन देना है जो कोर्ट से आया है। ये सब बात ड्राइवर काफी ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने लॉयर के पीठ थपथपाया और कहा, वेरी वेल ब्रदर, चलो हम लोग दोनों मिलकर लुटकिंग्स को सरप्राइज देते हैं, और कहता है लेट्स स्टार्ट। फिर ड्राइवर ने लुटकिंग से कहा कि यहाँ के अधिकतर लोग मुझे बिल या मैग्नूस कहकर बुलाते हैं क्योंकि मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नूस फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। अब इसका आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इसी चलते इसको हिंदी में चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं विलियम मैग्नूस फैंसी गाड़ी यातायात, हैकिंग का मतलब वो वाला हैकिंग नहीं। ठीक है बिल, अब क्या हम फिट्स चलेंगे? तो फिर हैक ड्राइवर कहता है, हाँ अब हम फिर चलेंगे क्योंकि वहाँ ओलिवर लुटकिंग्स का होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, शायद हमें वहाँ पर ओलिवर लुटकिंग्स मिल ही जाएगा। वह पोकर बहुत खेलता है और वह चीटिंग और धोखा लोगों को बहुत देता है। और फिर लॉयर सोच रहा है कि अगर यह हैक ड्राइवर पुलिस होता तो वो तुरंत ही ओलिवर लुटकिंग्स को पकड़ता और जेल के अंदर भेज देता। और थोड़ी देर बाद वो लोग फिट्स शॉप पहुंच जाते हैं और फिर बिल पूछता है फिट्स से, क्या तुमने ओलिवर लुटकिंग्स को देखा है? तो फिर वहां पर फिट्स शर्माता है और कहता है, हाँ मैंने उसे देखा है, वो थोड़ी देर पहले यहीं था और शायद वो अभी गस्टव शॉप गया है, वो शायद अपना शेव करवाना है, उसे शेव करवाना है इसीलिए वो गस्टव शॉप गया है। और फिर बिल कहता है कि अगर वो यहाँ दोबारा आए तो उसे कह देना कि मैं उसे खोज रहा था। और फिर वो लोग दोनों गस्टव बार्बर शॉप के पास जाते हैं। बार्बर शॉप पहुंच जाने के बाद बिल वहां मौजूद दो कस्टमर और एक बार्बर जिसका नाम स्वीडी था उन लोगों से पूछते हैं, क्या आप लोग में से कोई ओलिवर लुटकिंग्स को देखा है? तब वहां का बार्बर बहुत भड़क जाता है और गुस्से होकर बोलता है, नहीं मैंने ओलिवर लुटकिंग्स को नहीं देखा है और मुझे ये सब कामों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें वो ओलिवर लुटकिंग्स मिल जाता है तो मुझे जरूर बताना क्योंकि मुझे अपना $35 उससे कलेक्ट करना है। फिर वहाँ बैठे एक कस्टमर को याद आता है, हाँ मैंने लुटकिंग्स को देखा है, वो स्ट्रीट में होटल के साइड से पार हो रहा था। ये सुनकर दोनों फिर से अपने हैक में बैठ गए थे और फिर हैक ड्राइवर लॉयर से ये कहता है कि
हो सकता है कि लुटकिंग्स ग्रेस बार्बर शॉप के पास गया होगा, क्योंकि गस्टॉफ बार्बर शॉप के पास तो उसका $35 का उधार बाकी है, इसीलिए शायद वो ग्रेस के पास गया होगा। इसीलिए वो लोग दोनों भी वहां पहुंचते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि लुटकिंग्स वहां 5 मिनट पहले था, पर अभी नहीं है, वो पिछले 5 मिनट में ही निकल चुका है यहां से। तब वो लोग तुरंत पोल रूम पहुंचते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब लुटकिंग्स हमें वहां मिलेगा पोल रूम में, लेकिन उन्हें लुटकिंग्स वहां भी नहीं मिलता है। वहां जाने के बाद उन लोग को ये पता चलता है कि वो जस्ट अभी अभी यहां से निकला है, वो एक पैकेट सिगरेट लेकर के जस्ट अभी यहां से निकल गया। वो लोग दोनों लुटकिंग्स को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे, और लॉयर को हैक ड्राइवर पर काफी ज्यादा भरोसा था कि उसकी मदद से वो लोग दोनों लुटकिंग्स को बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे। एक बज गए थे और वो लोग काफी हंगरी थे। फिर लॉयर ये कहता है कि ये अच्छा होगा कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा ले। फिर बिल कहता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, यहाँ 4 रेस्टोरेंट है और चारों के चारों काफी फालतू है, काफी गंदे है, पैसा भी काफी लेते हैं लेकिन इनका खाना भी उतना अच्छा नहीं होता है। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे घर चलिए, मेरी वाइफ आपके लिए खाना बना देगी, इनफैक्ट लंच भी पैक कर देगी और मैं भी खा लूंगा, और फिर हम खाते खाते वेट्स हिल जाएंगे और वहां का व्यू का आनंद लेंगे खाते खाते। और अब लॉयर अपने आप अपने मन में ये कह रहे हैं कि बिल उनके लिए अपना भाई जैसा हो गया था और वो बिल पे काफी भरोसा भी करने लगे थे। और फिर लॉयर ये भी सोच रहे हैं कि ये ब्रदरहुड उतना नहीं था क्योंकि वो बिल को ईच आर के लिए $2 पे कर रहे थे, और इनफैक्ट कि वो खाना खाने का भी पैसा बिल को दिए थे। ये पैसा तो वो लॉयर अपना डिपार्टमेंट से रिकवर कर लेंगे क्योंकि वो डिपार्टमेंट के काम से ही बाहर आए हैं। अब वो खाते खाते हिल टॉप में बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे कुछ पोस्टर के बारे में, कुछ बैनर के बारे में, और वहाँ का व्यू के बारे में भी वो डिस्कस कर रहे हैं। बिल ये बता रहा है कि लोग कितना मूर्खता का काम करते हैं, और बिल ये भी कह रहा है कि इन सब चीजों के लिए वो उन्हें माफ भले ही कर देते हैं लेकिन इनकी मूर्खता बहुत ज्यादा नोटिसेबल है। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं और बता रहे हैं कि एक मिनिस्टर की वाइफ थी जो बहुत कर्जे में थी लेकिन फिर भी वो बहुत जोर जोर से, काफी जोर जोर से हंसती थी। और फिर बिल एक लॉयर की वाइफ के बारे में भी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि उनकी वाइफ दिन भर में एक बार भी कॉलर या टाई नहीं लगा पाती है। और ये सब बात जो बिल कह रहा है ये सब पेंटिंग में दर्शाया हुआ था, ये सब ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बिल एक अच्छा स्टोरी टेलर था इसीलिए वो जो भी बता रहा था वो एकदम ओरिजिनल लग रहा था। और फिर बिल ये भी बताता है कि वो बहुत सारे सिटीज और टाउन में घूम चुका है पर वो सभी सिटीज और टाउन्स के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो सिटी है न्यू मिलियन इसके बारे में बिल बहुत ज्यादा जानते हैं, और वो इतना ज्यादा सिटीज एंड टाउन्स और जगह को ट्रेवल कर चुका है कि वो एक फिलोसॉफी को भी एग्री करता है जिसका नाम है सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, यानी कि सिंपल रहो और हंसते रहो। यदि आप इसे एग्री करते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब वो दोनों हिल को छोड़ देते हैं और वापस ओलिवर लुटकिंग्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी बिल को एक आइडिया आता है और वो लुटकिंग्स की एक फ्रेंड से पता करता है। तब उन्हें ये पता चलता है कि लुटकिंग्स तो अपनी मम्मी के फार्म में गया है जो नॉर्थ डायरेक्शन में 3 माइल्स की दूरी पर है। और फिर बिल उस लॉयर से कहता है कि मैं लुटकिंग्स की माँ को जानता हूँ, वो काफी डेंजरस और खतरनाक औरत है, क्योंकि जब मैं ओलिवर का घर गया था एक ट्रंक को पहुँचाने तब मैंने बॉक्स को सही ढंग से नहीं रखा था। अब यहाँ पर वो ट्रंक को बॉक्स ऑफ एग्स से कंपेयर किया जाता है, और जैसे हम एकदम ध्यान से अंडे का बॉक्स को एकदम अच्छे से प्लेस करते ताकि वो अंडा टूट ना जाए, वैसे मैंने एकदम नहीं किया था, मैंने ट्रंक को अच्छे ढंग से नहीं रखा इसलिए ओलिवर की माँ मुझ पर टूट पड़ी। और वो तो 9 फीट टॉल है और 4 फीट मोटी है और बहुत ही तेज है, वो एकदम कैट की तरह बहुत ही क्विक है। और फिर बिल ये भी कहता है कि ओलिवर लुटकिंग्स को पता चल गया है कि हम लोग उसके पीछे हैं, हम लोग उसे खोज रहे हैं, और वो अपनी माँ का स्कर्ट के पीछे छुप गया है, यानी कि मानता का आंचल के पीछे छुप गया है, जैसे कि भोलानाथ छुपा था। वो हिंदी का चैप्टर है फिलहाल, उसे छोड़िए और इंग्लिश में ध्यान दीजिए।
और ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ भी पीछे रहो, क्योंकि तुमने तो लॉ पढ़ा हुआ है, तुम काफी लोगों की मेंटालिटी को जानते हो, लेकिन मुझे श्योर है, मुझे पूरा पता है कि तुम इस औरत को फेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए यही बेहतर होगा कि मैं ही अंदर जाऊं और लुटकिंग्स के बारे में पता करूं या पूछूं। और फिर जब वो लोग वहां पर फार्म में पहुंचते हैं, तब उन लोगों को एक बूढ़ी सी लेडी दिखती है, और फिर तभी बिल तुरंत अपना हैग से उतरता है और दौड़ते दौड़ते जाता है वो लेडी के पास। लेडी के पास पहुंच जाने के बाद वो उनसे पूछता है, क्या आप ओलिवर लुटकिंग्स को देखे हो और क्या वो वहाँ यहाँ पर आया है? और फिर वो लेडी एकदम चिल्ला के इरिटेटिंग वॉइस में कहती है, नहीं मुझे नहीं पता और मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं है जानने के लिए कि ओलिवर कहाँ है। और फिर बिल भी चिल्लाता है और कहता है उस ओल्ड लेडी से कि बहुत कर ली तुम बकवास, अब सही सही बताओ कि ओलिवर लुटकिंग्स है कहाँ। और वैसे भी ये बेचारा आदमी दूर शहर से ओलिवर लुटकिंग्स को ढूंढने के लिए आया है, और इसे लीगल राइट भी है कि ये ओलिवर लुटकिंग्स को ढूंढे और उसे समन दे। और फिर बिल कहता है कि हमें पूरा लीगल राइट है कि हम आपके घर में तलाशी मारे और पता करें कि ओलिवर लुटकिंग्स है यहाँ है कि नहीं है। ये देख करके वो लॉयर भी काफी इम्प्रेस हुए, और उन्हें अब ये भी लगता है कि अब वो लेडी अपना घर का तलाशी हमें लेने देगी। फिर वो जो लेडी है वो अपने ओल्ड किचन की ओर बढ़ने लगती है और वो दोनों भी उसे फॉलो करने लगते हैं। फिर बिल जैसे ही उनकी ओल्ड किचन के पास पहुंचता है तो वो लेडी वहां से एक लंबा सा रॉड निकालती है जो काफी गर्म होता है, एकदम गरम गरम रॉड निकालती है और कहती है, हंसते हुए कहती है कि एक काम करो, तुम मेरी घर की तलाशी ले लो, मगर लेकिन तलाशी लेते लेते अगर बीच में मैं तुम्हें ये रॉड से मार दूं तो मुझे तुम कुछ कहोगे तो नहीं ना। अब बिल काफी डर जाता है और ऑथर से कहता है, ऑथर भाई ये जो लॉयर है, तो लॉयर से कहता है कि यहाँ से कट लेते हैं, यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, वरना ये लेडी तो हमारा मर्डर ही कर देगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर थोड़ी देर बाद बिल लॉयर से कहता है कि तुमने देखा कि वो हम पे कितना हंस रही थी और कितना डिसरिस्पेक्टफुल वाला बात कह रही थी। लेकिन फिर लॉयर ये कहता है, नहीं मैं अब यहाँ का तलाशी लूंगा। और फिर वो लोग दोनों एकदम चुप चुप के उस ओल्ड लेडी से छुप छुप के उस घर का तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। जब वो नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें लगता है कि ओलिवर अब यहाँ से निकल चुका है। अब दोपहर के 1 बज चुके थे और उन्होंने ओलिवर को नहीं ढूंढ पाए थे, वो लोग दोनों मिलकर अभी तक ओलिवर को नहीं ढूंढ पाए थे। इसीलिए बिल ने लॉयर को सेफली स्टेशन वापस छोड़ देता है, और अब लॉयर को काफी बुरा लगता है कि वो कितनी मेहनत करने के बावजूद ओलिवर लुटकिंग्स को नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन यहाँ मेन बात तो ये है कि लुटकिंग्स से ज्यादा वो बिल के बारे में सोच रहे थे। उनको वहाँ का एक चीज भी पसंद नहीं आया था, ना ही उनको बार्बर शॉप पसंद आया था, ना ही हिल पॉइंट, उनको केवल वहाँ का एक चीज पसंद आया था और वो था बिल, जो उनसे काफी फ्रेंडली वे में उनका हेल्प करता है और वो काफी काइंड आदमी भी था। और वो लॉयर फिर कहते हैं कि वो वापस न्यू मिलियन आना चाहते हैं और बिल से मिलना भी चाहते हैं, और वो अपना लीगल प्रैक्टिस जो लॉयर लोग को करना पड़ता है, लॉयर मेन लॉयर बनने से पहले लीगल प्रैक्टिस, वो लीगल प्रैक्टिस वो यही न्यू मिलियन सिटी से कर पाए। और फिर लॉयर ये भी मेंशन करते हैं कि उनके ऑफिस के कलीग्स या फिर उनके ऑफिस के लोग उनसे काफी डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता होगा कि मैं ओलिवर लुटकिंग्स को समन दे चुका हूं और वापस लौट रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो केस जो कल होने वाला है वो शुरू होते के साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस केस का विटनेस अभी तक मिला नहीं है जो ओलिवर लुटकिंग्स था। और ऑथर को फिर ये भी लगता है कि उनका कल सुबह होते ही उनका करियर खत्म हो जाएगा, और ऑथर के जो चीफ है या फिर ऑथर का जो बॉस है, जो भी कहिए, वो उनका तो जैसे कि मर्डर ही कर देगा कल सुबह। इसीलिए लॉयर काफी डिसअपॉइंटेड थे और उसके बॉस उससे काफी नाराज हुए, और उसके बॉस ने ये भी कहा कि इससे बेहतर तो ये होता कि तुम एक गड्ढा खोद लो। फिर उसने वही बॉस ने उसको फिर से आदेश दिया कि तुम वापस न्यू मिलियन जाओ, और लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ एक आदमी भी वहां जाएगा। जब वो लोग न्यू मिलियन स्टेशन में पहुंचते हैं तब एक बहुत ही अजीब घटना हुआ।
उन्होंने देखा कि बिल वही लेडी से बात कर रहा है जो हम लोग को चेज की थी, यानी कि हम लोग को वहां पर से दौड़ा दी थी, याद है ना आपको, वो लेडी जो ओलिवर लुटकिंग्स की माँ है। तो बिल उसी से एकदम फ्रेंडली वे में बात कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था। फिर लॉयर बिल को पॉइंट करते हुए अपने साथी के ये कहता है, अरे ये देखो यही वो आदमी है जो मेरी काफी मदद किया था ओलिवर लुटकिंग्स को ढूंढने में। तो फिर उसका साथी काफी अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, क्या ये आदमी तुम्हारा मदद किया था? तो फिर लॉयर कहता है, हाँ यही आदमी, क्यों तुम्हें कोई शक है? तो फिर उसका साथी बोलता है, हाँ ये आदमी क्यों नहीं मेहनत किया होगा तुमको खोजने में, क्योंकि यही तो ओलिवर लुटकिंग्स है। ये बात सुनने के बाद लॉयर काफी गहरे सदमे में चले जाते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ होता है उनके साथ। और फिर लॉयर ये सोचने लगते हैं कि मैं कितना बेवकूफ हूँ और ओलिवर लुटकिंग्स कितना चलाक है, वो मुझको कैसे एकदम अच्छे तरीके से प्रैंक करता है मेरे साथ और मुझसे पैसे भी लेता है, और वो कैसे अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिलकर मुझे मूर्ख बनाता है जैसे कि मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ, और शायद वो मुझ पर काफी हंस रहे होंगे मेरे जाने के बाद। फिर वो लोग दोनों उन्हें समन देने जाते हैं और फिर लुटकिंग्स उन्हें रिप्लाई देता है, स्पेशली ऑथर को रिप्लाई करते हुए कहता है कि चलो चलो मेरे नेबर शॉप में चलो, वहाँ पे जाके हम कॉफी पीते हैं, और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें लोगों को काफी बताया है और वो लोग तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड भी है, और ये वही लोग है जो कल तुमको कस्बे में नहीं देख पाए थे, यानी कि बाकी सब लोग उस लॉयर को कल देखे थे लेकिन ये कुछ बचे लोग हैं जो तुम्हें नहीं देख पाए थे, इसलिए मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लेकर के जाता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो रिचर्ड ई ब्राइड आज दुनिया के लीडिंग साइंटिस्टों में से एक है। बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। बचपन से ही इनको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और 22 साल की उम्र में इन्होंने एक सेल थ्योरी नाम का एक थ्योरी को पब्लिश किया, जिसमें वो बेसिकली सेल के फंक्शनिंग के बारे में बताते हैं कि वो काम कैसे करता है। ई ब्राइट और उनके एक कॉलेज फ्रेंड ने इस थ्योरी के ऊपर काम किया और इस थ्योरी ने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया था। ये जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में भी पब्लिश किया गया था और ये चीज़ उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी। और ये सब चीज़ एकदम से नहीं होता है कि कोई सुपरस्टार बन जाता है, ये होता है धीरे धीरे, टाइम बीत जाने पर होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था बटरफ्लाई से। तो ई ब्राइट अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे थे और वो पेंसिल्वेनिया नाम की एक जगह में रहते थे। वहाँ पर ई ब्राइट को करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था और ना ही कुछ कंपोनेंट्स थे। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं थे और उनकी सिर्फ एक ही हॉबी थी बचपन में, और वो था ये कि वो चीज़ें कलेक्ट करना बहुत पसंद करते थे। ई ब्राइट बटरफ्लाइज को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे और इसीलिए उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये जब उन्होंने स्टार्ट किया उस टाइम पे वो किंडरगार्टन में थे। उन्होंने बटरफ्लाइज के साथ साथ रॉक्स, फॉसिल्स और बहुत सारी चीज़ भी कलेक्ट करना स्टार्ट किए। तो जब ई ब्राइट की मॉम को इनके इंटरेस्ट के बारे में पता लगता है तो वो उनको एनकरेज करना स्टार्ट कर देती है। वो उन्हें साइंटिफिक ट्रिप्स पर लेके जाती थी, वो उन्हें कैमराज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और बहुत सारे साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी ला करके देती थी। उनकी मॉम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, हर इंस्ट्रूमेंट को उन तक ला के देती थी और वो एक मॉम से ज़्यादा फ्रेंड बन के रहती थी। और अगर कभी ई ब्राइट कुछ नहीं करता, मतलब उसके पास कुछ काम नहीं होता, तो उस टाइम पे उनकी जो मॉम है उनको कुछ ना कुछ टास्क दे दिया करती थी। और वो सारे टास्क ऐसे यूं ही टास्क नहीं थे, बट वो एक लर्निंग टास्क होते थे ताकि उन सब चीज़ों से ई ब्राइट कुछ ना कुछ सीखते रहे। ई ब्राइट स्कूल में भी अच्छे मार्क्स लाते थे और सेकेंड स्टैंडर्ड में उन्होंने 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई को कैद किया था, मतलब कि पकड़ा था। और ये सब बटरफ्लाइज उन्होंने अपने घर के आजू बाजू में ही से कलेक्ट किया था। तो एक दिन की बात है, उनकी मॉम ने उनको एक चिल्ड्रन बुक ला करके दिया और उस बुक ने ई ब्राइट के लिए साइंस के दरवाजे को खोल दिया। और इस बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, और मोनार्क एक्स एक बटरफ्लाई की स्पेसीज होती है। इस बुक में बेसिकली यही बताया गया था कि कैसे एक मोनार्क एक्स बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर जाती है। इस बुक के एंड में बुक्स के रीडर के लिए एक इन्विटेशन भी था कि अगर वो चाहे तो बटरफ्लाई माइग्रेशन के स्टडीज में भी हेल्प कर सकते हैं। तो रीडर्स को इसमें सिर्फ करना इतना था कि उनको जब भी कोई टैग्ड बटरफ्लाई मिले, टैग्ड बटरफ्लाई मतलब वो बटरफ्लाई जिसमें कोई तरह का टैग कर दिया गया हो बाय ह्यूमन ताकि उसको पहचान किया जा सके बेसिकली, तो अगर किसी को भी ये टैग्ड बटरफ्लाई मिले तो वो उसे डॉक्टर उर्क्यू हार्ट को रिपोर्ट करे। डॉक्टर उर्क्यू हार्ट टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जो कि बटरफ्लाई टैग्ड बटरफ्लाई में रिसर्च कर रहे थे।
एब्राइट ने इस चीज पे दिलचस्पी दिखाई और उसने मोनार्क एक्स बटरफ्लाई को टैग करना स्टार्ट कर दिया। एब्राइट को ये चीज मालूम था कि अगर वो एक एक करके मोनार्क एक्स नामक प्रजाति के बटरफ्लाईज को पकड़ेगा तब तो उससे होने वाला नहीं है, तो उसने अपने बेसमेंट में ही इस प्रजाति के बटरफ्लाईज को रेज करना स्टार्ट कर दिया इन ह्यूज अमाउंट। तो उन एग्स से सबसे पहले कैटरपिलर आया, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से छोटा बटरफ्लाई, उसके बाद एक एडल्ट बटरफ्लाई। और जब ये एडल्ट बटरफ्लाई उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उस पर वो टैग, छोटा सा टैग लगा देता है उसकी बॉडी पे, उसके विंग्स पे, और वो उसे फिर उड़ने दे देता है। धीरे धीरे एब्राइट को इस प्रोजेक्ट पर इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा, और रीज़न ये था कि जिन बटरफ्लाईज के ऊपर वो टैग लगा के भेज रहा था तो दूसरे साइड से उसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और वो इसलिए भी थोड़ा सा मीन्स हेजिटेट कर रहा था क्योंकि जिन बटरफ्लाइज को उसने भेजा तो वो उसके घर के कुछ ही दूर बाद वापस से मिल जाते थे। अब इस टाइम तक एब्राइट जो है वो 7th ग्रेड तक पहुंच गया था और वो कुछ दूसरे साइंटिफिक स्टडीज़ में लग जाता है। अब एब्राइट ने साइंस काउंटी फेयर में एडमिशन लिया। पार्टिसिपेशन के दौर पे उसने अपनी स्लाइड्स को दिखाया, प्रेजेंट किया, जो कि फ्रॉग्स के टिश्यू पर थे। हालांकि उसमें वो कुछ जीत नहीं पाता है तो वो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, और वो इस चीज़ से ये समझ जाता है कि अगर कुछ उसको प्राइज जीतना है तो उसको थोड़ा सा रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। और इसीलिए उसने अपने फेवरेट फील्ड के ऊपर रिसर्च करना डिसाइड किया और स्टार्ट किया। और उसका इंटरेस्ट था इंसेक्ट के ऊपर। इस चीज़ पे वो पहले से भी थोड़ा मोड़ा काम कर रहा था बट उतना नहीं कर रहा था। फिर एब्राइट ने डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को अपने आइडियाज़ के बारे में बताया, और रिप्लाई में उर्क्यूहार्ट ने एब्राइट को एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ कुछ सजेशंस दिए, और इन एक्सपेरिमेंट ने एब्राइट को थ्रू आउट द हाई स्कूल बिजी रखा। इस दौरान वो बीच बीच में छोटे मोटे काउंटी फेस्ट जो होता है, साइंस फेयर होता है, उसमें छोटे छोटे अवार्ड जीतते रहे। उन्होंने क्लास 8 के साइंस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया था कि कैसे मोनार्क एक्स डिसअपेयर हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, और ये चीज़ हो रहा था एक डिजीज़ के कारण जो कि बीटल कैरी करके लेके आती है। हालांकि वो ये एक्सपेरिमेंट अपने साइंस फेयर में शो किया और वो जीत भी गया। अगले साल उसका साइंस प्रोजेक्ट वॉइसरॉय बटरफ्लाईज के ऊपर था। उन्होंने अपना थ्योरी दिया कि कैसे एक वॉइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क एक्स बटरफ्लाई को कॉपी करती है, क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क एक्स बटरफ्लाई टेस्टी नहीं लगती है और वो वॉइसरॉय बटरफ्लाई को ही खाती है, तो बर्ड्स के ना खाने के वजह से वॉइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क एक्स बटरफ्लाई को कॉपी करती है। एब्राइट का ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज और काउंटी फेयर में थर्ड प्राइज लेकर के आया। एब्राइट ने अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में अपना ये जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाया और एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी करने की कोशिश की। इनडायरेक्टली ये रिसर्च उनको आगे चलकर लाइफ ऑफ सेल्स की नई थ्योरी के बारे में ले गई। इसके मुताबिक वो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते थे कि मोनार्क एक्स प्यूपा के ऊपर 12 गोल्डन स्पॉट के क्या रीज़न होते हैं, और इस चीज़ को जानने के लिए कि मोनार्क एक्स बटरफ्लाई के ऊपर 12 छोटे छोटे स्पॉट्स क्यों होते हैं, वो और उनके बाकी स्टूडेंट्स ने मिलकर एक डिवाइस को बनाया, डिवाइस को डेवलप किया। फिर उनको ये पता चला कि ये स्पॉट्स उनके बॉडी में मौजूद एक हार्मोन के कारण होता है, और ये हार्मोन बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट में काम आता है। और इस प्रोजेक्ट की वजह से एब्राइट को वहाँ पर काउंटी फेयर में फिर से फर्स्ट प्राइज मिलता है। इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग के फेयर में उनको एंट्री भी मिल जाती है। यहाँ पर उन्होंने जूलॉजी डिवीज़न में थर्ड प्लेस हासिल किया। इसके अलावा इन्हें अब वॉल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में भी काम करने का मौका मिल गया। वो इस चीज़ को बहुत एडवांस लेवल तक लेके चले जाते हैं और इस चीज़ के लिए उनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। अपने सीनियर ईयर के अंदर उन्होंने मोनार्क एक्स बटरफ्लाई के विंग से सेल को ग्रो करना चालू किया। अपने इस एक्सपेरिमेंट से वो ये शो करना चाहते थे बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के स्टेज में जब स्टार्टिंग से सेल डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं और डेवलप होना चालू करते हैं तो वो तभी हो पाते हैं जब उनके 12 गोल्डन स्पॉट से अननोन हार्मोन मिलता है, और अगर वो हार्मोन ना मिले तो एक प्यूपा बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी और US डिपार्टमेंट ऑफ US एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी काम किया। उन्होंने समर्स में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब में काम करने के लिए वापस आ गए, और वहाँ पर उन्होंने हार्मोन थ्योरी के ऊपर काम करना चालू किया, और फाइनली वो उस हार्मोन को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो गए। और फिर एक या डेढ़ साल बाद एब्राइट ने उस केमिकल स्ट्रक्चर के सेल्स की एक्सरे फोटोज़ भी देखा, और फिर वहाँ से उनको सेल लाइफ के न्यू थ्योरीज़ के बारे में आइडियाज़ आने लगे, और बस उस फोटो के वजह से उनको बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पजल का आंसर भी मिल गया कि सेल कैसे DNA के ब्लूप्रिंट को रीड करता है। आप लोग DNA के बारे में तो जानते ही होंगे। DNA हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन हमारे हेरिडिटी को कंट्रोल करना होता है। एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉर्म ने उस केमिकल स्ट्रक्चर्स की पिक्चर बनाई
और उसके प्लास्टिक मॉडल्स को तैयार किया। किसी को भी जानकर ये हैरानी नहीं हुई कि रिचर्ड ईब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट ग्रेजुएट होकर के वहाँ से बाहर निकले। इसके अलावा वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्च स्टूडेंट के दौर पे भी ग्रेजुएट हुए और वहाँ पर उन्होंने अपने इस थ्योरी को टेस्ट करना चालू किया। अगर ये थ्योरी प्रूफ हो जाती है तो हमें लाइफ स्टेप को समझने के लिए बहुत बड़ी इमारत हासिल हो जाती है और कैंसर जैसे डेंजरस डिजीज़ को ठीक करने के सॉल्यूशंस के भी आइडियाज़ आ सकते हैं। ईब्राइट के कुछ और इंटरेस्ट भी है। वो एक चैम्पियन डिबेटर है और साथ साथ वो एक पब्लिक स्पीकर भी है और इन सब के अलावा वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी है। ईब्राइट हमें बताते हैं कि उनको अपने दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने का श्रेय भी उनके टीचर्स को जाता है। उनके टीचर हमको ये बताते हैं कि ईब्राइट इसीलिए जीतते हैं क्योंकि वो अपना हर समय अपना बेस्ट देना चाहते हैं। वो हमसे कहते हैं कि ईब्राइट बहुत ही कम्पिटिटिव नेचर के हैं, लेकिन वो उस सेंस में कम्पिटिटिव नेचर में नहीं है। वो खुद से कम्पिटिट करते हैं, वो औरों से कम्पिटिट करते हैं और खुद को बेस्ट साबित करना चाहते हैं। और लास्ट में राइटर हमें ये बताते हैं कि रिचर्ड ईब्राइट के अंदर कुछ ऐसी भी खासियत है जो कि एक साइंटिस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और इन सब के अलावा उनका विल पावर, उनका कॉन्फिडेंस, उनके अंदर का क्यूरियोसिटी एक एक्सट्रीम लेवल पर जाता है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट आवर चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। उम्मीद है आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और बाकी चैप्टर्स का जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया उनका भी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको फर्स्ट फ्लाइट का वीडियो चाहिए तो मैंने वो पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है, पूरा वन शॉट एकदम मस्त 47 मिनट्स के अप्रॉक्स बना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख लेना। और यार अब देखो वन शॉट वीडियो बहुत सारे आने वाले, तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम भी आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी खुद के लिए मेहनत करना है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।